लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 18 डी, दैट इज मीन मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डेटा. क्वेश्चन नंबर 7 इज द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 30 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी. हमें जो डेटा दे रखा है उसमें हमारे को 30 स्टूडेंट्स में कितना, 30 हाउसहोल्ड्स में, हाउस मींस में कितना डेली एक्सपेंडिचर हुआ है फूड पे वो दे रखा है. तो हमें डेली एक्सपेंडिचर दे रखा है, डेली एक्सपेंडिचर दे रखा है हमें, और नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स दे रखे हैं. नंबर ऑफ हाउस होल्ड दे रखे हैं, राइट. तो ये हुआ 100 to 156, 150 to 207, 200 to 250, 12, 250 to 300, 3, and 300 to 350, 2. आगे क्या कह रहा है? Find the mean and median daily expenditure on food. और हमें mean और median निकालने के लिए कह रहा है कि mean और median निकालना है. तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, हम मीन के लिए पहले x निकालते थे. x क्या होता था? इन दोनों की मिड वैल्यू. दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 125. ये आया 175, 225, 275 एंड 325, राइट. अब ये बहुत बिग वैल्यूज हैं, तो हमने क्या किया, इसको a मान लिया. तो हमारा d निकल गया क्या? x माइनस a. This minus this, तो कितना आया ये? Minus का 100. This minus this, minus का 50. This minus this is 0. 275 minus 25 is 50. And 325 minus 225 is 100. अब यहाँ पे हमें दिख रहा है 50 common. 50 से ये पूरा divide हो रहा है. तो हमने u क्या किया? d को h से डिवाइड कर दिया. h क्या हुआ यहाँ पे हमारा? 50 हो गया, राइट. तो ये आया माइनस 2, माइनस 1, 0, 1 एंड 2. अब हम क्या निकालेंगे? fu निकालेंगे स्टेप डेविएशन में. तो 6 इंटू माइनस 2 इज माइनस 12. 7 इंटू माइनस 1 इज 7 इंटू माइनस 1 इज माइनस 7. 12 इंटू 0 इक्वल्स टू 0. 3 इंटू 1 इज 3 एंड 2 इंटू 2 इज 4. तो अब कितना आ गया ये देखिए, प्लस का 7 और माइनस का 12 एंड 7, ये कैंसिल हो गया. तो माइनस का 12 बच गया. कैंसिल कैसे हो गया? ये प्लस का और ये माइनस का, इसलिए कैंसिल हो गया माइनस का 12. और ये हमें पता है कितने हैं, 12 प्लस 5 इज 17, 17 प्लस 7 इज 24, 24 प्लस 6 इज 30. तो f कितना आ गया? 30, राइट. अब मीन निकाल लेंगे. मीन क्या आ गया हमारा? a प्लस h इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा f. तो ये कितना आ गया? a था हमारा 225 प्लस h था हमारा 50 इंटू fu क्या हुआ? माइनस 12 अपॉन f क्या हुआ? 30, राइट. तो ये कितना आया? 225 प्लस माइनस माइनस, ये देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई. 3 वन जो 3, 3 फोर जो 12, तो 5 फोर जो 20. तो ये कितना आ गया? 205 आ गया, राइट. हमें एक्सपेंसेस निकालने थे, रुपीस में थे, तो वो रुपीस में आ गया. अब हम क्या निकालेंगे? मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कैसे निकालते हैं? पहली एज इट इज, फिर 6 प्लस 7 इज 13, राइट. 13 प्लस 12 इज 25, 25 प्लस 3 इज 28, एंड 28 प्लस 2 इक्वल्स टू 30. ये आ गया हमारा n, राइट. तो अब हम उसको कैसे निकालेंगे? देखिए,
एन बाय टू करते थे सबसे पहले, एन बाय टू कितना हुआ 30 डिवाइडेड बाय टू दैट इज 15। अब 15 कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, तो हम मीडियन का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। मीडियन होता है एल प्लस एच इंटू एन बाय टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी, राइट। तो अब जब इसमें लाई कर रहा है तो इसकी लोअर लिमिट क्या हो गई, 200 प्लस एच कितना हो गया, एच 50 हुआ। सेम आता है एच, लेकिन हमेशा इसलिए बता रही हूँ बार बार क्योंकि आप जिससे कि जब सिर्फ मीन निकालना हो, जब सिर्फ मीडियन निकालना हो तो ये वैल्यू आपको नहीं दिखेगी, इसलिए आपको याद रहे कि कहाँ से निकालना है। तो इसलिए 50, एन बाय टू अभी हमने निकाला 15, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी दैट इज 13 अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या हुई, जिस जिसमें लाए करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी अपॉन 12 हो गया। तो ये कितना आ गया, 200 प्लस 50 इंटू ये 2 बचा तो 2 अपॉन 12, तो ये आ गया 200 प्लस 100 अपॉन 12। तो एलसीएम लिया 12, तो ये आया 200 में 12 की मल्टीप्लीकेशन प्लस 100 दैट इज 2400 प्लस 100 अपॉन 12, ये आ गया 2500 डिवाइडेड बाय 12, राइट। अब देखिए 4 3 12, 4 6 24, 10 हो गया, 4 2 8 20 हो गया, 4 5 20। अब देखिए ये कटता है कि नहीं कटता, ये नहीं कटेगा तो डिवाइड करेंगे 625 को 3 से, तो डायरेक्टली कर देते हैं, रुपीज में आएगा तो रुपीज लिख रही हूँ, 3 2 6 ये नहीं जा सकता जो 0 लगा दिया, 3 8 24, 10 हो गया, 3 3 9, 3 3 9 ये चलता चला जाएगा, दैट्स इट, दिस इज द मीडियन। अब मोड निकालना है हमें, तो हमारा आप चाहे मोड नहीं कह रहा है निकालने के लिए तो आप चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं मोड निकाल के दिखा देती हूँ। थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन कितना आया 208.33, और ट्वाइस ऑफ मीन कितना आया था 205, तो ये कितना आ गया 3 3 9, 3 3 9 3 8 24, 3 2 6 माइनस 2 5 10, 2 2 4, तो ये कितना आ गया रुपीज में आएगा ऑब्वियसली 0.99 एज इट इज। आगे 4 में से 0 गए 4, 2 में से 1 गया 1 एंड 6 में से 4 गया दैट इज 2, दिस इज द आंसर।